हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंका खोक्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बड़े दिनों के बाद ऐसे व्लॉग बनाने का टाइम मिल रहा है। अभी दोपहर के 2 बजे हैं। हम लोगों ने खाना खा लिया है। आज सुबह में तो ट्रेजेडी हो गई। मैं सुबह में मतलब रात अमित की ड्यूटी थी, क्योंकि रात की शिफ्ट थी, तो अमित ड्यूटी से आया था सुबह में 5 बजे के आसपास, और उसके बाद आके वो भी सो गया। फिर वो 9 बजे उठा है, मैं भी 9 बजे, मैं उससे लेट उठी हूँ, शायद मैं 10 बजे उठी हूँ। 10 बजे उठ के मैंने जैसे काम किया, झाड़ू पोछा, कपड़े, और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया। यार बहुत सारी चींटियाँ आई हुई है, पता नहीं किस वजह से मेरा एकदम से ध्यान गया अभी। तो मैंने फिर खाना बनाया, और मैं खाना बना के तभी हटी थी, एकदम भाभी आई। भाभी बोली कि भंडारा लगा हुआ है यहाँ पे, तो भंडारे का खाना लेके आई। और हमारे नॉर्थ इंडिया में भंडारे का खाना कोई नहीं छोड़ता है। मैंने वैसे भाभी ने पहले मुझे बोला था कि तू अमित को बोल, और अमित और तू दोनों यहीं पर पास में भंडारा लग रहा है, तुम दोनों वहाँ पर चले जाओ। तो मैंने मना कर दी, अमित ने मना करती थी जाने के लिए, तो मुझे अकेले भी जाना ठीक नहीं लगा। और गाइस गर्मी बहुत है, देख रहे होंगे पसीना। मैं भी रेडी हुई थी रील बनाने के लिए, मैं क्या 1-2 रील बना लेती हूँ। तो अभी अमित सो गया है दोबारा 3 बजे, वो अभी पता नहीं कहीं की क्लास ले रहा है, शायद वीडियो में आपने देखा होगा। तो अब मैं वेट करूँगी उसके उठने का, उसके बाद मुझे चाय पीनी है। चाय पी के थोड़ा रिलैक्स होगा, उसके बाद अभी गेट बंद करने आई थी। गाइस बहुत बुरा हाल हो रखा है गर्मी में, इधर कूलर सब फेल हो रखे हैं इस टाइम पे। मैं बोल नहीं सकती हूँ, इधर ये सोया हुआ है, उठ जाएगा। गाइस मेरे हो गया सर में दर्द बहुत तेज। मैं अभी लेटी हुई थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो अभी बना रही हूँ मैं कॉफ़ी, अमित भी उठ गया है। मैंने उसको बोला यार मेरे बहुत तेज सिर में दर्द हो रखा, तो बोला कि तू कॉफ़ी बना लेती और मुझे उठा देती, मतलब मैं कॉफ़ी बना के तब मैं उसे उठाती। आँख भी नहीं खुल रही है गाइस, मेरा अजीब सा हो रखा है सर में पेन। मेरी बहुत गंदी आदत है, बार बार जब भी मैं किचन में आती हूँ नीचे से बंद कर देती हूँ, और फिर बार बार ऑन करती हूँ, और फिर गैस ऑन करती हूँ बार बार। ये पुरानी आदत है घर से, जब से मम्मी के घर थी तब से। और गाइस हमें ना 2 नए मग मिले हैं रक्षाबंधन पे, मतलब अभी दीदी आई थी, शीतल दीदी, तो वो ये 2 नए मग देके गई है। बट ये काफ़ी बड़े हैं, कॉफ़ी पीने में इतना मज़ा नहीं आता जितना इन छोटे मग में आता है। ये दूध पीने में काफ़ी मज़ा आता है। और ये हो गया हमारा दूध गरम। ये मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई, अभी मैं जा रही हूँ अंदर। तो यार तो सो रहा था। ओए तेरे सर में मारती मैं अभी ना, अब लगता सच में यार। बाकी तू तो सो रहा था, इतनी जल्दी उठा कैसे है? बेड पे से तो नहीं उठा था, पता मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बोला कि मेरे सर में दर्द हो रखा, तो मेरे को कॉफी पीनी थी, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, तो मेरे को बोला कि मुझे ना कॉफी बना के उठा देती। अरे कैसे कैसे लोग है धरती पे, ये नहीं बोला कि ठीक है चल मैं ला रहा कॉफी बना के। ये कॉफ़ी बना के आई हूँ किचन में, देखो मेरी हालत कैसी हो गई पसीने में आजकल, तो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ी थोड़ी देर में अगर हम बाहर जा रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है, क्या करें। अंदर से हम खड़ा पीछे छुपा ले जाके वहाँ कैमरे के पीछे छुपा हुआ थोड़ी देर में। बाकी आज तूने पूरा दिन क्या किया? आज भाई मैं ड्यूटी से आया था सुबह, थोड़ा तेज बोलो। सुबह ड्यूटी से आया 4:30 बजे, उसके बाद मैं सो गया, फिर मैं उठा 8:30, और फिर तक लेके मैं 3:15 तक लगा हुआ था काम उठने के बाद से, और अभी फिर मैं 1 घंटा सो गया। गाइस मैंने ऐसे ओएस खाने स्टार्ट किए कि अमित मेरे से ज्यादा खाने लगा। अब भूखे आदमी को कुछ भी दे दो, भूखे आदमी को। अरे यार पता आज मेरे साथ इसने क्या किया, मैं उस टाइम पे शायद कपड़े सुखाने गई हुई थी, मैंने कपड़े धुले थे, तो भाभी नीचे से, मैंने बताया था भाभी प्रसाद लेके आई थी, यहाँ पे भंडारा लगा हुआ था हमारे इधर नॉर्थ में, भंडारा अगर कहीं भी लगा हो तो लोग सबसे पहले जाएंगे, बोलेंगे अच्छा भंडारा लगा है, सबसे पहले जाके भंडारा खा के आएंगे, मतलब उसका टेस्ट ही अलग होता है। एक वो बोलते हैं नी कि घर के खाने के सामने भंडारे का खाना बहुत अच्छा लगता है, सब्जी का, इन सब चीज़ का टेस्ट।
तो भाभी ने वो भंडारे में से आया हुआ खाना थोड़ा हमें ला के दिया ऊपर, उसमें खीर थी, पेठे की सब्जी थी, छोले की सब्जी थी, पूरी और रायता। और मलिक जी ने, मैं जब तक, मुझे ये था कि हाँ मैं उधर से आके ना थोड़ा कपड़े उतार के या सुखा के जो भी करने गई हुई थी कि मैं वो काम करके आके सबसे पहले खीर खाऊंगी, और मैं पूरी खुश हो रखी थी, वो इतनी सी कटोरी थी खीर की। मैं आई कमरे में, मैंने आके, और ये उस टाइम पे अपनी क्लास ले रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे खीर ही नहीं मिली पूरी प्लेट में। मतलब मुझे ना बड़ा दुख हुआ, इतना दुख मुझे आज पूरे दिन और किसी चीज का नहीं हुआ। मैं आपको कटोरी दिखा दूं ना, तो वो इतनी सी तो कटोरी थी यार, और वो भी आधी थी, चाहे कितनी भी कटोरी हो, ऊपर से खीर मेरी फेवरेट है। हाँ, तो मैं छोड़ने वाला था, खीर इसकी फेवरेट है, और हम लोग डेली तो बनाते नहीं ऐसी चीजें, और कहीं से आ जाए या फिर कुछ ऐसी स्वीट्स, वैसे तो ये डाइटिंग करता है, बट डाइटिंग उस टाइम पे गायब हो जाती है जिस टाइम पे कुछ ऐसी चीज आती है। मतलब यार बंदे ने ये भी नहीं सोचा कि इतनी खीर है, खीर को कौन छोड़ेगा भाई, कि उसमें से एक चम्मच चल उसके लिए छोड़ देता हूँ, वो टेस्ट कर लेगी। तो भाई मिलते हैं थोड़ी देर में कॉफी पीने के बाद। ये नहीं मिलेगा, ये तो जिम निकल जाएगा। गाइस हमने अभी कॉफी पी ली है अपनी, अब अपने अपने काम पे लगेंगे। मैं अभी पढ़ूंगी थोड़ी देर, और अमित का मुझे पता नहीं, शायद जिम जाएगा या क्या करेगा अभी। जिम जाएगा, ये किसी भी टाइम जिम जाए, इस टाइम पे अभी 5:15 हैं, और किसी भी टाइम जिम जाए, आएगा वही 9:00, है ना लड्डू, और 8:30 पक्का। कितना बड़ा झूठा। सबको धुलाया पानी से, अभी मैं जाऊंगी पेड़ पौधों में पानी देने। ये देखो गाइस पेड़ भी कैसे सूखे हुए हैं, इनमें भी पानी बिल्कुल सूखा, जबकि डेली पानी दिया जाता है। भाभी आओ बाहर, गुरमन गर्मी लग रही है दोनों को। किसको? अरे भाभी बाहर कितनी हो चुकी है गर्मी, अरे मेरे हालत खराब हो गई छत धुलने में, और मुझे चक्कर आने को हो गए इतनी गर्मी। अच्छा बेल बेल, अच्छा तोरई की बेल, टापू। हाँ भाभी बहुत रखे अमरूद मैंने, तो बाहर टेबल पे रखे थे पहले, फिर मैंने, मैंने तो पहले वो बाहर टेबल पे थे, मैंने अंदर फ्रिज में रख दिए, मैं कभी खराब हो जाए, अमित ने बोला कि फ्रिज में मत रख बाहर रख, और फिर बाहर रखे अब। ये देखो हमारी ऐसे बातें होती है, इतनी दूर से भाभी बाहर बैठ के और यहाँ पे बातें कर रही है। अब बताओ क्या कह रहे थे, दिखाना जो तुम्हें भेजी नहीं थी रात को। अरे कब? उस दिन रात में जब तुम्हारे घर में गेस्ट आए थे, तब उन्होंने नहीं बोला था कि वो, तुमने बोला भाभी रात होगी सो जा फल पा। अरे तब तो मैं और शीतल दीदी हम दोनों बैठे थे, और हम दोनों बात करते करते मैंने आपको कमेंट किया, मतलब उस पे देख के, और मेरे अभी अभी याद नहीं कौन सी साड़ी। दिखाना ये देखो, ये देखो एक टफू का, इसका, इसको इधर करना गुरमन। हाँ ये इसका नाम क्या है भाभी, उसका क्या नाम है? ये हमारे टफू के जैसी शकल है बिल्कुल इसकी, जैक। एक दिन ना ये यहाँ पे जब सामने घूम रहा था, और मैंने टफू लगा के, और बिल्कुल ऐसे ही नहीं सुन रहा था जैसे टफू। हाँ, और मेरे को तो ऐसा लगा था कीचड़ में घूम के आके और टफू वहाँ घूम रहा है। टफू ओए टफी, तू भी नहीं देख रहा है तो ऊपर। देखो गाइज हम लोग ना पहले पानी नहीं रखते थे पक्षी के लिए, और अब हमने पानी रखना स्टार्ट कर दिया, तो अब हमारे इस जो कटोरा है इस पे पक्षी आता ही रहता है पानी पीने के लिए। यार एक कप कॉफी पिला दे,
लाडू तुम जिम लेट हो, मेरी बात देखो। मैं देख यार अभी कितना काम करके आई, थक गई, सिर में दर्द हो रखा। ओ तो लाडू